गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वी हैव सीन लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था। वो लास्ट लेक्चर में हमें डिसिप्लिन वन डिसिप्लिन टू वो कवर किया था। डिसिप्लिन नंबर वन दैट इज़ रिलेटेड टू दिस बिल्डिंग प्लानिंग एंड द कंस्ट्रक्शन। एंड आफ्टर दैट वी हैव कंप्लीटेड द सेकेंड डिसिप्लिन दैट इज़ द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। एंड थर्ड वी हैव सीन दैट इज़ द डिसिप्लिन इज अ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। सो वॉट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस बिल्डिंग प्लानिंग, वॉट इज द बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इन द बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन वॉट वी हैव टू डू, इसमें से हम क्या करते हैं, जो हमारा प्लान रहता है बिल्डिंग का वो हमें फिक्स करना चाहिए। उसमें से हम कहाँ, वो जो प्लान रहता है वो कहाँ डिपेंड करता है, वो जो उतने भी स्पेसिफिक ऑक्यूपेंट है वो। और सेकेंड थिंग इज दैट वॉट इज आवर बेसिक पर्पज, हमारा बेस पर्पज फिक्स है, हमारे कितने लोग उधर रहने वाले हैं इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हमारा प्लान हम बना सकते हैं। और जो भी प्लान है वो प्लान क्या करना चाहिए, जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग है या तो बायलॉज है वो सब क्या होना चाहिए, उधर सेटिस्फाइड होना चाहिए। दैट इज कम अंडर दिस बिल्डिंग प्लानिंग। एंड आफ्टर द फिक्सिंग दिस बिल्डिंग प्लानिंग विल गो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ द बिल्डिंग, बट दैट प्लान शुड बी सैंक्शनड बाय द म्युनिसिपल बॉडीज। ओके, एंड दैट प्लानिंग वी हैव टू मेड इन टू द कैड सॉफ्टवेयर। दैट कैड इज ऑटोकैड सॉफ्टवेयर वी हैव टू यूज फॉर द प्रिपेयरिंग द बेसिक बिल्डिंग प्लान ऑफ एनी टाइप ऑफ द बिल्डिंग। नेक्स्ट वी हैव सीन दैट देर आर सम बायलॉज, दैट बायलॉज आर रिलेटेड टू द हाइट एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बिल्डिंग। इफ देर आर द बायलॉज, इफ दैट बायलॉज आर सेटिस्फाइड देन एंड देन विल गो फॉर द देन एंड देन दैट गवर्नमेंट बॉडीज विल सैंक्शन आवर प्लान एंड आफ्टर दैट विल गो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एनी टाइप ऑफ द बिल्डिंग। यू कैन सी दैट देर इज अ प्लान क्रॉस सेक्शनल एरिया दे हैव शो हियर इज देर इज दिस इज शोन इन दैट मैक्सिमम कवरेज एरिया दैट इज फॉर द होल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बिल्डिंग। एंड बियॉन्ड दैट देयर इज अ रियर फ्रंट साइड एंड द बैक साइड दे हैव शोन हियर। एंड देयर इज अ वन कितनी इसमें में 1.5 मीटर डिस्टेंस, 1.5 मीटर डिस्टेंस एंड 1.5 मीटर डिस्टेंस इधर रखा जाता है। और उसके आगे जहाँ भी फ्रंट साइड है, जहाँ भी हमारा ओपनिंग है, जहाँ भी हमारा क्या है और ये है हमारा रोड साइड है, उधर जो भी मार्जिन रहता है वो मार्जिन ज़्यादा रहता है। सो इसके हिसाब से जो भी मिनिमम डायमेंशन से रूम के हाइट के और द एरिया लिमिटेशन के वो सभी को हम बोलते हैं बिल्डिंग बायलॉज। और वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग का सैंक्शनिंग कर सकते हैं फ्रॉम द टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज़। एंड आफ्टर दैट विल गो फॉर द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ द बिल्डिंग। यू कैन सी ऑलरेडी वी हैव सीन दैट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इसमें हमने क्या देखा था। ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। कौन से भी टाइप का बिल्डिंग हो तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें फर्स्ट एनालिसिस डिज़ाइन। बिल्डिंग प्लानिंग में हम प्लान बनाते हैं, पर वो प्लान क्या करते हैं, ऑटोकैड में बनाया वो प्लान हम क्या करते हैं, डायरेक्टली वो इम्पोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो स्टार्टप्रो में हम क्या कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर का जो प्लान है वो भी बना सकते हैं। और जो भी लोड्स आते हैं स्ट्रक्चर पर वो सभी लोड्स यहाँ अप्लाई करके हम क्या करेंगे, ईच एंड एवरी कंपोनेंट का एनालिसिस करेंगे। जो भी बीम है, कॉलम है या तो फुटिंग है, वो सभी का हम इधर क्या करने वाले हैं, एनालिसिस एज वेल एज द डिजाइन करने वाले हैं। इसे ब्रांच आती है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ब्रांच। सो इसमें से जो भी स्टील स्ट्रक्चर है, गर्डर्स है, नहीं तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, रिटेनिंग वॉल है, वाटर टैंक है, ब्रिजेस है, ये सभी का डिज़ाइन हम किस में करते हैं, ये RCC दैट इज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ब्रांच इन टू बाय मैन्युअली एज वेल एज बाय द सॉफ्टवेयर यूज करके हम करते हैं। जो भी बिल्डिंग रहती है, जो भी स्ट्रक्चर रहता है, उसका क्या रहता है, मैन्युअल वर्क बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमें क्या करना है, वो मैन्युअल वर्क कम करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ सॉफ्टवेयर्स जो एडवांस्ड सॉफ्टवेयर है हम वो यूज़ करते हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है स्टार्ट प्रो एंड द ईटैब सॉफ्टवेयर विल यूज़ फॉर द एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एनी टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर्स। आपने देखा हुआ का वाटर टैंक का, आपके आपका जहाँ भी घर है उधर होम है और तो विलेज है, उसमें से भी उधर भी आपको दिखेगा वो टैंक रहता है। वो टैंक से पूरा अंडर ग्रेविटी वाटर सभी को दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके हिसाब से वो जो डिज़ाइन रहता है वाटर टैंक का भी, उसका डायमेंशंस, उसके बीम्स, उसके कॉलम, सो वो सब जो आता है वो डिज़ाइनिंग भी इस स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में भी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आता है। और वो वाटर टैंक का डिज़ाइन हम कहाँ करते हैं, तो वो स्टार्ट प्रो में करते हैं।
करते हैं, दैट इज द ब्रांच, सेकेंड ब्रांच दैट इज द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ब्रांच. नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग. यहाँ तक समझ आया क्या आपको? यस मैम, यस मैम. ओके, उसके बाद हमने जो टेक्निकल इंजीनियरिंग का स्टडी भी किया था. सो जो टेक्निकल इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सॉइल. इसमें से हमने क्या किया था, सॉइल का स्टडी करना का हमने किया. स्टाइल का स्टडी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है वो जो सॉइल है वो कौन से टाइप की है, उसके कौन से प्रॉपर्टीज है, ये हमें क्या करना है, इधर अंडरस्टैंड करना है. उसके लिए जो भी फाउंडेशन का डिजाइन करेंगे या फाउंडेशन का डेप्थ डिसाइड करेंगे, उसके लिए हमें ये सॉइल एक्सप्लोरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सॉइल इन्वेस्टिगेशन करते हैं. तो सॉइल इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, और एक ड्रिल होल ड्रिल करना पड़ता है. उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, डिफरेंट डेप्थ पर से सॉइल सैंपल कलेक्ट करते हैं, और वो सॉइल सैंपल हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के लैबोरेटरी में क्या करते हैं, चेक करते हैं. हमने वो जो लैबोरेटरी में सॉइल सैंपल चेक किया तो हमें पूरा उसका ये मिल जाता है, उसके प्रॉपर्टीज मिल जाते हैं. तो वो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये डेप्थ पर ये टाइप का स्ट्राटा है, हार्ड है, लूज है, या तो वीक स्ट्राटा है. तो इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हमारा टाइप ऑफ फाउंडेशन चूज कर सकते हैं. तो इफ हार्ड स्ट्राटा इज एट अ लोअर डेप्थ, हार्ड स्ट्राटा हमें शॉर्ट डेप्थ पर मिलता है, तो हम वहाँ शालो टाइप ऑफ फाउंडेशन यूज कर सकते हैं. लेकिन हार्ड स्ट्राटा उधर जो नहीं है वो लॉन्गर डेप्थ पर है, तो क्या करेंगे, उधर हम डिप टाइप ऑफ फाउंडेशन वहाँ यूज करते हैं. इट इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन डिजाइन ऑफ सिंपल फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, कौन से भी टाइप का फाउंडेशन है, पाइल फाउंडेशन है, वेल फाउंडेशन है, एक और द डैम कंस्ट्रक्शन है, या तो टनल कास्ट करना है. सो भी तरह हमें क्या करना चाहिए, पहला सॉइल एक्सप्लोरेशन करना चाहिए. That is the come under this geotechnical engineering. उसके बाद हमने देखा था ये geotechnical engineering is nothing but a foundation engineering. geotechnical का study जो आता है वो soil के related तो आता ही है, but geotechnical engineering का study foundation related भी आता है. तो जो भी स्ट्रक्चर रहता है उसका जो पोर्शन है, ग्राउंड लेवल के ऊपर का जो पोर्शन है वो सुपर स्ट्रक्चर में कंसिडर किया जाता है, और जो ग्राउंड लेवल के बिलो है वो स्ट्रक्चर हम फाउंडेशन फाउंडेशन या इसको हम सब स्ट्रक्चर बोलते हैं. और जो भी फाउंडेशन का स्टडी है, जो भी सब स्ट्रक्चर का स्टडी है विच इज़ रिलेटेड टू द सॉइल इज नथिंग बट अ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग. और हमारे जो भी बिल्डिंग का लोड होता है, वो जो बिल्डिंग का लोड है वो जो नीचे सॉइल रहती है उसकी उतनी क्या चाहिए, बेयरिंग कैपेसिटी चाहिए. तो उधर उतनी बेयरिंग कैपेसिटी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो भी जो टेक्निकल इंजीनियरिंग के जो भी टेक्निक्स है वो वहाँ यूज करके हम उस सॉइल का क्या करते हैं, बेयरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं. एंड दैट इज नथिंग बट अ फाउंडेशन सॉइल एंड सब स्ट्रक्चर शुड रेजिस्ट द फोर्सेस विदाउट फेल्यूर और एक्सेसिव डिफॉर्मेशन. दैट इज द जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, दैट इज द थर्ड ब्रांच ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग दैट वी हैव कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर. समझल का इतपर्यंत ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस ऑल पॉइंट्स? यस मैम, यस मैम, यस मैम. ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्या आज का फ्रेश पॉइंट. नेक्स्ट स्लाइड इज द वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग. देखो, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग मीन्स द मेजरमेंट, यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चरल, म्यूनसिपल एंड पावर जनरेशन पर्पजेस. मीन्स देखो, इसमें क्या क्या आता है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग मतलब जो भी वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका हमें क्या करना है, इधर स्टडी करना है. जो भी वाटर है तो वाटर के अवेलेबल रिसोर्सेज कहाँ है. वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग मीन्स मेजरमेंट और यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चरल, म्यूनसिपल एंड द पावर जनरेशन पर्पज. मीन्स जो भी वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है उसमें से जो भी हमें वाटर मिलता है तो वाटर का कैसा यूटिलाइजेशन करने का, उसे एग्रीकल्चर के लिए कैसे वो वाटर यूज करने का, और थर्ड पॉइंट जो आता है वो पावर जनरेशन या तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम वाटर का कैसा यूज कर सकते हैं. ये जो पॉइंट रहते हैं ये सभी पॉइंट इस वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में है. वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग मीन्स द मेजरमेंट, यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस फॉर एग्रीकल्चर, म्युनिसिपल अँड द पॉवर जनरेशन पर्पज. बघा, पाण्यापासूनच टर्बाईन्स थ्रू आपण काय करतो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतो. हा जो स्टडी आहे हा स्टडी पण आपल्या या वॉटर रिसोर्स इंजिनिअरिंगमध्ये येतो. इट मेनली इन्क्लूड्स
It mainly includes irrigation engineering, design of hydraulic structures like dams, canals, water resource engineering, deals with planning, designing and developing the water resources by constructing several hydraulic structures like dams, barrages, hydropower stations, canals and pipe network. इसमें देखो जो भी वाटर रिसोर्स के वाटर रिसोर्सेस अवेलेबल है वो ऐसा क्या क्या रहता है. देखिए एक साइड बहुत वाटर है, एक साइड वाटर नहीं है, ड्रॉट एरिया है, तो हमें क्या करना चाहिए, उधर से वाटर का प्लानिंग करके वहाँ से जो भी स्ट्रक्चर है, कैनाल स्ट्रक्चर्स वगैरह बिल्ट करके हमने क्या किया है, वो वाटर क्या किया है, ट्रांसफर किया है जहाँ भी ड्रॉट है, जहाँ भी वाटर अवेलेबल नहीं है. तो ये जो सब डिजाइन रहते हैं, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैनल रहता है. थ्रू द कैनल्स वी प्रोवाइड द वाटर टू द ड्रॉट एरिया. दैट डिजाइनिंग ऑफ द कैनल्स, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका जो भी मेंटेनेंस आता है, ये सब कहाँ आता है, ये वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में आता है. उसके लिए प्लानिंग करना चाहिए, वो कौन सा साइड से ये कैनल लेके जाना चाहिए, उसमें कौन सा विलेज आएगा, वो सब जो स्टडी है वो सभी स्टडी इसमें आता है. डिजाइनिंग एंड द डेवलपिंग, जैसा हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं वैसा ही इधर प्लानिंग रहता है, डिजाइनिंग रहता है, डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्सेस फॉर द डिफरेंट कंस्ट्रक्शन डिफरेंट बाय कंस्ट्रक्टिंग द सेवरल हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स लाइक अ डैम्स, बैरियर्स, हाइड्रो पावर स्टेशन एंड द कॅनॉल. बघा कॅनॉल असेल, आता मोठे डॅम्स आहेत, तर डॅम्स असतील तर रिझर्वायर असतो, त्या ठिकाणी पाणी असतं, त्या पाण्या थ्रू आपल्याला काय करायला लागतं, ते पाणी आपल्याला काय करायचं, वी हॅव टू प्रोव्हाइड दिस वॉटर टू द ड्रॉट एरिया थ्रू द कॅनॉल. तर त्या ठिकाणी कॅनॉलचं कन्स्ट्रक्शन करावं लागेल, त्यासाठी फर्स्ट डिझायनिंग करावं लागेल, प्लॅनिंग करावं लागेल, अँड आफ्टर दॅट वील प्रोव्हाइड द वॉटर टू दॅट ड्रॉट एरिया. नेक्स्ट जो पार्ट येईल, या ठिकाणी पाईप नेटवर्क्स असेल, त्या ठिकाणी मग कुठल्या टाईपचे पाईप्स असतात, किंवा काही काही वेळेला स्टील पाईप्स असतील, किंवा काही वेळेला प्लास्टिक पाईप्स असतील, या मोठमोठ्या डायमीटरच्या पाईप्स वापरून पण काय केलं जातं, वॉटर एका प्लेसमधून दुसऱ्या प्लेसपर्यंत काय केलं जातं, वॉटर काय केलं जातं, ट्रान्सफर केलं जातं, ट्रान्सपोर्टेशन केलं जातं वॉटरचं. दॅट इज ऑल्सो कम अंडर दिस वॉटर रिसोर्स इंजिनिअरिंग. आफ्टर दॅट देर इज अ हायड्रॉलिक स्ट्रक्चर जे आहेत, म्हणजे डॅम कन्स्ट्रक्शन असेल, तर डॅम कन्स्ट्रक्शनचं जे काही कॉम्पोनंट आहेत, म्हणजे त्या ठिकाणी रिझर्वायर असेल, त्या ठिकाणी स्पिलवे असतील, त्या ठिकाणी गेट्स असतील. तुम्ही एखाद्या डॅमवरती गेल्यावरती बघितलं असेल की त्या ठिकाणी डॅम साईट म्हणजे काय असतं, एका ठिकाणी पूर्ण वॉटर स्टोअर करून ठेवलेलं असतं. जशी जशी फ्लड लेवल त्या ठिकाणी इन्क्रीज होत जाईल, तसं काय केलं जातं, त्या ठिकाणचे गेट्स आहेत ते ओपन केले जातात. त्या गेट्स थ्रू किंवा स्पिलवेज थ्रू वॉटर काय केलं जातं, त्या ठिकाणी सोडलं जातं, जेणेकरून त्या ठिकाणची फ्लड लेवल आहे ती काय व्हायला पाहिजे, कमी व्हायला पाहिजे. अशा पद्धतीने जे काय हायड्रॉलिक स्ट्रक्चर्स आहेत रिलेटेड टू द डॅम, तर डॅममधले सगळे कॉम्पोनंट, त्याचं डिझाईन कसं करतात, त्याचं प्लॅनिंग कसं करायचं, वॉटर जे आपण त्या गेट्स थ्रू बाहेर सोडणार आहे, त्याचं रिव्हरला कसं ते वॉटर कनेक्ट होईल, रिव्हर थ्रू अगेन परत त्या वॉटर ड्रॉट एरियाला कसं कनेक्शन होईल थ्रू द कॅनॉल्स. दिस ऑल द स्टडी इज रिलेटेड टू दिस वॉटर रिसोर्स इंजिनिअरिंग. आफ्टर दॅट It also includes watershed planning, water harvesting techniques, soil conservation, soil reclamation. बघा जे वॉटर रिसोर्स इंजिनिअरिंग आहे यामध्ये परत स्टडी कोणसा आता आहे, जो वॉटरशेड प्लॅनिंग का आता आहे, वॉटर हार्वेस्टिंग का आता आहे, सॉइल कन्झर्वेशन का आता आहे, नाही तो लास्ट का पॉइंट आहे उधर सॉइल रिक्लेमेशन भी आता आहे. ये क्या आहे, जो भी सॉइल का वॉटरशेड मॅनेजमेंट, नाही तो वॉटर हार्वेस्टिंग, ये क्या आहे, हमें पता है कि जो भी रेनफॉल होता है तो अभी हम क्या करते हैं, वॉटर रेनफॉल हो रहा है तो पानी अड़वा नहीं पानी जिरवा, ये जो सिस्टम है ये कहा ये वाटरशेड प्लानिंग या तो हार्वेस्टिंग में आता है. देखो पानी जो रेनफॉल होता है तो पानी क्या होता है, वो उस साइड से वो क्या हो जाता है, पाणी पूर्ण काय होतं त्या ठिकाणी प्रत्येक वेळेला वाहून जातं, मग ते वाहून जात असताना त्याच्याबरोबर काय होतं, सॉइल पण वाहून जाते. ओके, दॅट इज कम अंडर दी सॉइल कन्झर्वेशन. तर आपल्याला काय करायला लागेल त्या ठिकाणी सॉइल कन्झर्वेशनसाठी काय करायला लागेल, वी हॅव टू यूज दिस टेक्नॉलॉजी लाईक पाणी अडवा आणि पाणी जिरवा. पाणी अडवा आणि पाणी जिरवा म्हणजे काय, त्या ठिकाणी वी हॅव टू तुम्हाला त्या ठिकाणी मोठमोठे बांध घालावे लागतील आणि बांधाच्या ठिकाणी त्या ठिकाणी आपल्याला काय करायचंय, पाणी पूर्ण काय करायचंय, कन्झर्व करायचंय आणि आफ्टर दॅट पाणी पूर्ण जिरवायचंय त्याच ठिकाणी. देन अँड देन त्या साईटवरची काय होणार आहे, जी काय वॉट एव्हर द वॉटर लेवल, वॉट एव्हर डेप्थ ऑफ द वॉटर लेवल, दॅट विल बी गोज ऑन इन्क्रीजेस. दॅट इज कम अंडर दिस वॉटर शेड प्लॅनिंग अँड द वॉटर हार्वेस्टिंग. म्हणजे ड्रॉट एरिया आहे, रेनफॉल होतो, कधी ते वॉटर रेनफॉल होतो तेव्हा काय करायला लागलं पाहिजे, ॲट दॅट पॉईंट वी हॅव टू यूज द सिस्टीम लाईक
like a rain that water conservation, and we have to use the pani advan pani jirva like systems so that will increase the water level. Soil reclamation and the soil conservation baga water jeva flow honar hai water cha flow barobar kay honar hai that soil also goes on flowing so that soil cha kay hote if that in that area that soil conservation काय होणार त्या ठिकाणी सॉइलचं पूरा इरोजन हो रहा आहे तो सॉइल का इरोजन हमें रोकना है तो क्या करना चाहिए उधर तो हमें उधर क्या करना चाहिए जो भी एयर का एयर रिलेटेड जो ट्रीज है ट्रीज वहां लगाने चाहिए ये पहला पॉइंट है. सेकंड पॉइंट जो आता है सॉइल के लिए त्या ठिकाणी पूर्ण बांध घालून पाणी आहे ते पूर्ण त्या ठिकाणी जिरवलं पाहिजे. नेक्स्ट जो पॉइंट आहे दॅट सॉइल रिक्लेमेशन. सॉइल रिक्लेमेशन मीन्स क्या आता है जब रेनफॉल होता है तो पानी क्या बहुत टाइम एक ही क्या होता है बहुत टाइम रहता है वो जो क्रॉप रहते हैं उस वो भी पानी में ही रहते हैं तो क्या होता है ज्यादा दिन तक पानी रहने से क्या होता है जो भी उधर ये है प्लेस है वो प्लेस का और जमीन रहता है वो उसका क्या होता है पूरा जो रिक्लेमेशन है उसकी जो सुपीकता है वो पूरी कमी हो जाती है. तो उधर हमें क्या करना चाहिए वो जो भी न्यूट्रिएंट्स है जो भी सॉइल में कम है उसका सॉइल टेस्टिंग करके हमें क्या करना चाहिए सॉइल में जो भी जो जो कॉम्पोनेंट कम है तो उसको इसमें ऐड करके हमें क्या करना चाहिए वो सॉइल पहले जैसे बनाने चाहिए जेने के हमें उसके हिसाब से क्या होगा वो सॉइल का पहले जैसे हमें क्रॉप मिलेंगे. नहीं तो क्या होगा उस सॉइलची जर सुपीकता पूर्णच कमी झाली तर आपल्याला त्या ठिकाणी जरी पीक आपण जरी आपण त्या ठिकाणी काही जरी पेरलं तर त्याचा आपल्याला काहीही उत्पन्न मिळणार नाही आहे. तर त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल सॉइलमध्ये कुठले कुठले कॉम्पोनंट कमी आहेत ते कॉम्पोनंट आपल्याला काय करावं लागतील ते ॲड करावे लागतील त्या ठिकाणी जे एलिमेंट्स कमी आहेत ते आपल्याला त्या ठिकाणी ॲड करावे लागतील सॉइलमध्ये. मग ते ॲड केल्यानंतर परत काय होऊ शकतं आपण जर पीक त्या ठिकाणी घेतलं तर ते पीक आपल्याला पहिल्यासारखं चांगलं मिळू शकतं. दॅट इज कम अंडर दिस सॉइल रिक्लेमेशन. म्हणजे बघा हे वॉटर रिसोर्स इंजिनिअरिंग आहे याचा स्टडी कम अंडर दिस वॉटर प्लॅनिंग वॉटर हार्वेस्टिंग सॉइल कन्झर्वेशन कसं होत आहे और कैसे करने का उसके बाद सॉइल का रिक्लेमेशन कैसे करने का ये सभी का स्टडी है ये वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में आता है. उसके हिसाब से वाटर हाइड्रोलॉजी व्हाट इज मीन बाय द हाइड्रोलॉजी व्हाट इज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इसका भी स्टडी इसमें वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में ही है. उसके बाद हाइड्रोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ सोर्सेस ऑफ वाटर्स मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल स्टडी ऑफ रेनफॉल रन ऑफ एंड द फ्लड कंट्रोल. इसमें है जो भी हाइड्रोलॉजी इंक्लूड्स जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के हिसाब से ही हमारे रेनफॉल होता है. ओके उसके बाद क्या है उधर इसमें से ही हमें क्या स्टडी करना है जो भी वाटर रिसोर्सेस है उसका जब भी रेनफॉल होता है तो वो रेनफॉल का हमें क्या करना है मेजरमेंट करना है. उसके लिए एक इक्विपमेंट है वो रेन गेज बोल के एक इक्विपमेंट है. ये इक्विपमेंट यूज करके हम क्या करते हैं जो रेनफॉल का भी रेनफॉल हम मेजर करते हैं. रेन गेज नाम का एक इक्विपमेंट है ये रेन गेज नाम का इक्विपमेंट यूज करके हम क्या करते हैं मेजरमेंट ऑफ द रेनफॉल करते हैं. उसके बाद जो स्टडी ऑफ रेनफॉल है तो स्टडी ऑफ रेनफॉल इसका भी स्टडी हम कैसे कर सकते हैं कौन से साइट पर कौन से प्लेस पर रेनफॉल हुआ कौन से प्लेस पर रेनफॉल नहीं हो रहा है और इसके हिसाब से भी हम जजमेंट लगा सकते हैं. और जो रन ऑफ और द फ्लड कंट्रोल जो रन ऑफ है मतलब हाँ जो रन ऑफ इज नथिंग बट जो भी सॉइल कंजर्वेशन के रिलेटेड आता है रेनफॉल बहुत ज्यादा हो गया तो पानी एक ठिकान से दूसरे ठिकान पर फास्टली मूव हो जाता है मतलब वो रेनफॉल तो होता है लेकिन वो ऑफ नहीं हो जाता मतलब एक ही ठिकान पर नहीं रहता इसके लिए इसे इसको बोला जाता है रन ऑफ लेकिन वो मूव हो जाता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस. फ्लड कंट्रोल जो फ्लड कंट्रोल करना है तो कैसे करने का वो जो सभी पॉइंट रिलेटेड टू है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के रिलेटेड है. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस आप सभी को समझ आया क्या? यस मैम. यस मैम. यस मैम. यस मैम. ओके साकिब 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 मैम आर इन लेक्चर. या या मैम. आपको समझ आया क्या? यस मैम. ओके
और एक बार मैं बोलती हूँ आपको, ये वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग इसमें कौन सा स्टडी आता है, जो भी वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका स्टडी आता है। उसके बाद हम जो रेनफॉल होता है तो रेनफॉल मेजरमेंट का स्टडी करते हैं, जो भी फ्लड कंट्रोल फ्लड आता है तो उसका कंट्रोल कैसे करने का, अगेन जो रेनफॉल है स्टडी ऑफ रेनफॉल, कौन से सीजन में रेनफॉल ज़्यादा होता है कौन से सीजन में रेनफॉल नहीं होता, उसके हिसाब से जो भी फ्लड जो भी जहाँ भी डैम है डैम साइड पर रिजर्वायर में से वाटर ज़्यादा है तो हम उधर जो कंपोनेंट रहते हैं डैम के, स्पिलवे रहता है गेट रहता है, तो उसके सभी रिजर्वायर उसके जो डैम रहता है उस पर जो भी कंपोनेंट है वो सभी कंपोनेंट का स्टडी भी हम इस वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में करते हैं। और वाटर का उधर क्या है, वाटर ज्यादा हो गया तो गेट गेट से वाटर बाहर फेंक के क्या करते हैं, टोटल वाटर ये हम क्या करते हैं जो भी उधर रिवर रहता है रिवर थ्रू हम क्या करते हैं कैनाल, कैनाल थ्रू हम जहाँ ड्रॉट एरिया है वहाँ हम ये वाटर क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लानिंग डिजाइनिंग टू प्रोवाइड द वाटर टू द ड्रॉट एरिया दैट कम अंडर दिस वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। आफ्टर दैट जो भी बहुत वाटर है तो वहाँ वाटर के हिसाब से हमें उधर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करने का, पावर स्टेशन जनरेट करने का, ये सभी स्टडी जो है ये वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में ही आता है। ओके, नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट नेक्स्ट डिसिप्लिन दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इसमें क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन मींस मूवमेंट ऑफ पैसेंजर एंड द गुड्स बाय मींस ऑफ व्हीकल्स ऑन लैंड, शिप on water, ship on water and the aircrafts in air means transportation. There are the three ways. First one is the transportation of passengers or any goods that transport from one place to the another place by the land or by using the ship on the water, and the third one is the aircraft through the air. These are the three transportation ways. The transportation engineering is that branch of civil engineering which deals with planning, designing and construction of roads, bridges, railways, tunnels, harbors, ports, docks, railways and the airport. देखिए यहाँ जो भी टाइप के थ्री टाइप के है हमारे ट्रांसपोर्टेशन है उसके हिसाब से जो हमारा रोड है हाईवे है रोड है तो उस पर जो भी ब्रिजेस आएंगे जो भी उधर रेलवे रूट्स भी आते हैं तो उसका स्टडी कैसे करने का, कंस्ट्रक्शन रेलवे रूट्स है तो रेलवे पर कौन से टाइप के कंपोनेंट आते हैं तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करने का, हमारा हाईवे है तो रोड पर जो भी ब्रिजेस आने वाले हैं उसके कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, रोड का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, उसका जो डिजाइनिंग है प्लानिंग है ये सभी इस ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आता है। उसके बाद वो टनलिंग जो भी है हमें क्या करना पड़ता है, देखो अभी ये हर टनल्स रहते हैं तो टनल्स के थ्रू हम क्या करते हैं एक शॉर्टर स्पैन में से हमें क्या करना पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है, वो जो रहता है टनल उसका भी कंस्ट्रक्शन उसका डिजाइनिंग उसका प्लानिंग जो भी रहता है ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंडर ही आता है। उसके बाद पोर्ट्स रहते हैं हार्बर रहता है ये जो रिवर ये जो शिप ऑन वाटर मीन्स वाटर थ्रू ट्रांसपोर्टेशन रहता है उसके अंडर आता है हार्बर्स पोर्ट्स या तो डॉक्स, इसका कंस्ट्रक्शन इसके कौन से कंपोनेंट है वाटर थ्रू का ट्रांसपोर्टेशन है तो ये सभी का स्टडी ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन आता है। और लास्ट जो एयरपोर्ट रहता है एयरक्राफ्ट थ्रू एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्टेशन दैट इज कम अंडर द एयरपोर्ट मीन्स एयरपोर्ट का स्टडी पहले हमें करना चाहिए, एयरपोर्ट पर कौन से कंपोनेंट रहते हैं उसका रोड कैसा रहता है उसका डिजाइन कैसा रहता है कौन से टाइप का स्लोप उधर प्रोवाइड करता है करना चाहिए, उधर रनवेज है नहीं तो रनवेज मतलब क्या है, एयरक्राफ्ट है वो लैंड कर रहा है या तो लिफ्ट कर रहा है तो उसमें कौन से टाइप के और कैसा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो सभी का स्टडी इसमें है दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद एज फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन गुड ट्रांसपोर्टेशन transportation network is of prime importance. Study of various construction materials used in constructions of roads, transportation engineering are also considered under the transportation. ट्राफिक इंजीनियरिंग ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ये ट्राफिक इंजीनियरिंग मतलब क्या आता है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है रिलेटेड टू द ट्राफिक मतलब उधर
रहता है, आपने देखा होगा एक रोटरी सेक्शन है, नहीं तो उधर क्या रहता है, रोटरी सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड है, तीन चार रोड है उसका एक कनेक्शन है, तो उधर क्या रहता है, सिग्नलिंग सिस्टम रहती है ना, सिग्नलिंग सिस्टम में रेड कलर, येलो कलर एंड ग्रीन कलर रहता है, तो उसके ही रूल्स के हिसाब से ही हमें क्या करना चाहिए, हमारे व्हीकल का वो जाना चाहिए, अभी ग्रीन कलर है तो हमें जाने के लिए वो ऑर्डर करता है, यदि वो रेड कलर है तो वो बोलता है उधर ही स्टॉप, उधर ही रुको, उसके बाद ये येलो कलर दिया तो भी वो सिग्नल नहीं दिया तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे हम हमारे पोजीशन में आना चाहिए कि हमारे यहाँ से बाहर जाना है या तो मूव होना है, इसके हिसाब से जो भी सिग्नलिंग सिस्टम है दैट विल बी कम अंडर दिस ट्राफिक इंजीनियरिंग। आफ्टर दैट जो भी डायमेंशन ऑफ द रोड रहते हैं, रोड का विड्थ कितना रखना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रोड कैसा रहना चाहिए, ये सभी का स्टडी जो है ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंडर आता है। आप देख सकते हैं नीचे पिक्चर में वहाँ डिफरेंट टाइप्स के वो देखिए वो हाईवे को कनेक्शन कैसा दिया है, या तो नीचे भी रोड है ऊपर भी रोड है, उसके हिसाब से क्या किया है, 1 2 3 4 मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल काउंट करके क्या किया है, ये रोड का ट्रांसपोर्टेशन और हाईवे का डिजाइन किया है, ये सभी का स्टडी हमें हमें यहाँ रोड ट्रांसपोर्टेशन या तो एयर ट्रांसपोर्टेशन नहीं तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आता है। ओके ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, समझ आया क्या आपको? यस मैम। यस मैम। ठीक है मगातम, आई विल आस्क सम क्वेश्चन टू यू based on this all of you give me the answers. Okay, what is the superstructure, please tell me fast answers. Superstructure, what is superstructure? Structure above the ground. Structure above. Okay, this is part of the building ma'am which is above par aata hai usko hum kya bolte hain, structure above the ground that is the come under this ground level, to usme kaun se component aa jayenge boliye, टेल मी द कंपोनेंट, एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के कंपोनेंट कौन से आए जाएंगे सुपर स्ट्रक्चर में? सुपर स्ट्रक्चर बीम्स आएंगे, इसमें स्लैब आएंगी। ओके बीम्स आएंगे, स्लैब आएंगे, कॉलम आएंगे, ये सब जो कॉन्टूर्स है, विंडोज है, वॉल्स है, ये सभी कंपोनेंट कहाँ आ जाएंगे, सुपर स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। नीचे जो रहता है पार्ट बिलो द ग्राउंड लेवल उसको हम क्या बोलते हैं? फाउंडेशन मैम। फाउंडेशन, और इसको ही बोलते हैं सब स्ट्रक्चर। इसमें क्या आता है, कौन सा पार्ट आता है स्ट्रक्चर का? बेस, फाउंडेशन स्ट्रक्चर, फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर आता है। ओके देखिए इसमें भी बोला था व्हाट इज द जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में कौन सा स्टडी आता है? रिलेटेड टू सोइल मैम। स्टडी ऑफ सोइल इन्वेस्टिगेशन, रिलेटेड टू सोइल, जो सोइल इन्वेस्टिगेशन है वो सोइल इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या क्या करना रहता है हमें, सोइल इन्वेस्टिगेशन करना मतलब क्या? रेजिस्टिविटी ऑफ सोइल देखते हैं मैम, डीप ये है कि नहीं, कलेक्शन। ओके कलेक्शन ऑफ द सोइल सैंपल, वो कलेक्शन हम क्या करके क्या करते हैं फिर? ओके वो सैंपल का टेस्टिंग हम करते हैं, कहाँ करते हैं? लैबोरेटरीज में, जियोटेक्निकल लैब में, जियोटेक्निकल लैब में। ओके उसके हिसाब से हमें क्या मिलेगा, उसके सब प्रॉपर्टी मिल जाएंगे और हम उसमें से जजमेंट कर सकते हैं कि कौन से डेप्थ पर कौन से टाइप की सॉइल है। ओके नेक्स्ट कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इसमें हम क्या पढ़े? एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। ओके एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर हम इसमें करते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। ओके तो कौन से टाइप के कौन से सॉफ्टवेयर हम इधर यूज करते हैं? कैड, एज यू टोल्ड मैम, सॉफ्टवेयर यूज करके हमें बहुत मैनुअल वर्क रहता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ हम डिजाइन के लिए और एनालिसिस के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ईटैब सॉफ्टवेयर मैडम। ओके ईटैब बताया था और
कैड प्रो सॉफ्टवेयर क्या कैड प्रो बोला था ना स्टार प्रो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ईटैब भी यूज करते हैं ओके यहाँ हम क्या करते हैं एनालिसिस करते हैं डिजाइन करते हैं मतलब हम क्या करते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस मतलब हम स्ट्रेसेस कैलकुलेट करते हैं जो भी लोड आता है तो वो लोड्स जो आता है एक्टिंग ऑन द स्ट्रक्चर कितने हैं उसका भी हम कैलकुलेशन करते हैं पूरा बीम बिल्डिंग है तो उसके बीम एलिमेंट या तो स्लैब है या तो कॉलम है वो सभी का जो भी डिजाइन रहता है वो सब डिजाइन या हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में करते हैं या तो हमारा शेड है स्टील का शेड है तो शेड का डिजाइन रहता है वो ना अगेन या तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वाटर टैंक है तो सभी का डिजाइन हम मैन्युअली भी करते हैं और यहाँ हम स्टार प्रो ये जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर है लाइक स्टार प्रो और द ईटैब भी हम यहाँ क्या करते हैं यूज करते हैं नेक्स्ट स्लाइड है व्हाट आर द बायलॉज बायलॉज आर हुम दैट बायलॉज आर प्रिपेयर्ड बायलॉज आर फ्रेम्ड बाय टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज दे हैव प्रिपेयर्ड दिस ओके एंड दैट आर रिलेटेड टू द बिल्डिंग मैम बिल्डिंग में क्या आता है उसका हाइट के रिलेटेड एरिया के रिलेटेड सेटबैक डिस्टेंस रियर बैक डिस्टेंस प्रॉपर्टी लाइन हाइट ओके हाइट वो सभी इसमें आता है दैट इज द बिल्डिंग बायलॉज नेक्स्ट जो है बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन इसमें हम क्या सीखे Construction of buildings. है, लेकिन उस पहला क्या करते हैं हम कहा कौन सा स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग नहीं नहीं फर्स्ट हम क्या करते हैं ऑक्यूपेंट का कौन कितने ऑक्यूपेंट उधर है एक कोई छोटा बिल्डिंग बनाना है हमें तो कितने ऑक्यूपेंट कितने प्लानिंग करने वाले हैं उसका पर्पस क्या है स्कूल कॉलेज ये सभी का स्टडी करके हम क्या करते हैं बिल्डिंग प्लानिंग करते हैं बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग एंड द बायलॉज व्हिच शुड बी सैंक्शनड एंड सैटिस्फाइड बाय द लोकल म्युनिसिपल बॉडीज ऐसा डिसिप्लिन इतने डिसिप्लिन हमने कवर किया रिमेनिंग पार्ट है विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू ऑल ऑफ यू मैडम नोट्स देना रहे नेक्स्ट इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स ओके थैंक यू ओके